हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलक वाला ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है, उसका नया अपडेट आया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस अपडेट के साथ एक कमाल का नया फीचर वहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। आप बोल सकते हैं जो भी कुछ बक्सेस होंगे उस ऐप के अंदर उसको एक्टिवेशन कर दिया गया है, जो कि बहुत यूजफुल है। तो उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल के नए अपडेट के बारे में गुडलक मॉड्यूल की एक ऐप के। तो उसके लिए सबसे पहले ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको गुडलक वाली ऐप के अंदर। गुडलक वाली ऐप में जाएंगे, जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, आपको एक नया मिलता है, रैकी स्टार करके एक मॉड्यूल मिलता है दोस्तों। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, जैसा कि मैं यहाँ पर ले जाऊँ आपको इसके अपडेट्स वाले सेक्शन में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नया अपडेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है फिक्स म्यूट और अनम्यूट वॉल्यूम फॉर नॉट वर्किंग। तो ये फीचर है जिसके अंदर म्यूट और अनम्यूट वाला जो फीचर है कभी वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया और उसको वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया गया। इसको पहले तो कर लेते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे इसका जो वर्जन नंबर है और कब इसको रोल आउट किया गया, सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर है 1.0.48, इसको रोल आउट किया गया 17 जनवरी 2024 को, और 14 MB का ये अपडेट है। रेगिस्टार एक ऐप है जो कि आपको हेल्प करता है मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बता दूँ। तो ये रिकन्फर्म मेन्यू सेटिंग्स के अंदर जो मेन्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप बैक स्पेस या बोल सकते हैं बैक टैब के अंदर फीचर एड ऑन कर सकते हैं, और अपने जो पावर की है ना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ इसके अंदर क्या नया चेंजेस है, क्या फिर क्या बग था। तो इसके लिए आपको जाना है गुडलक वाली ऐप में। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको जाना है रेगिस्टार वाली ऐप में। रेगिस्टार वाली ऐप में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको वहां पर जाना है नीचे की तरफ साइड की वाले एंड होल्ड वाले ऑप्शन पे। तो यहां पर एक फीचर मिलता था म्यूट और अनम्यूट ऑल वॉल्यूम। तो ये काम कैसे करता है, जैसा कि मैंने यहां पर सेट कर दिया प्रेस एंड होल्ड एक्शन, तो जब भी मैं इसको प्रेस करके रखूंगा या होल्ड करके रखूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल तुरंत ही म्यूट पे चले जाएगा, और तुरंत दबा के रखूंगा तो वो रिंग पे आ जाएगा। तो इसलिए ये काम करता है। बट इसके क्या हो रहा था, इससे पहले वाले वर्जन में कुछ ऐसा इश्यूज था कि लोग इसको लगा रहे थे पर वो वर्क नहीं कर रहा था, पर ये वर्क इजीली कर रहा है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे नए कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पावर इसके, जैसे कि आपको साइड की के अंदर आपको और कुछ डालना है, टर्न ऑन फ्लैश लाइट, ऑफ फ्लैश लाइट, ऑटो रोटेट, लाइव कैप्शन, मतलब ऐसे ऐसे दिए गए हैं जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत ही शानदार यूजफुल चीज़ें होती हैं, जिसको यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज योर सेटिंग्स, आप अपनी होम स्क्रीन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसा ये दिखे। जैसे कि मान लो सेटिंग्स आपको ऊपर चाहिए या सैमसंग अकाउंट नीचे दिखे, ये सारी सेटिंग को आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका नाम दिखे ना दिखे, निक नेम दिखे, ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे आएंगे सेटिंग्स टू चेंज हिस्ट्री, जो भी सेटिंग्स चेंज होंगी उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे, और ये बैक टैप वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट कि आप बैक टैप के अंदर करके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लगा के रखा है, जैसे ही मैं दो बार बैक टैप करूंगा और ये पॉपअप विंडो में चले जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल टैप करूंगा तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मॉड्यूल है। अगर इसके बारे में और अगर आपको सीखना हो, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो पर रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।